वचनों को ये धारण किया कि कोई कुछ भी कहे, लेकिन सबरी सिर्फ और सिर्फ गुरु के वचनों को ही याद रखती। मंत्र मूलम गुरु वाक्य। साधक डग्गू मग्गू जो होते हैं ना, वो डर जाते हैं, लेकिन जो दबंग साधक होते हैं वो अच्छे से जवाब दे देते हैं। कोर्ट ने निर्णय सुना दिया है, कोर्ट ने बोल दिया है, तो कोर्ट क्या सर्वोपरि है? कोर्ट क्या भगवान है? या कोर्ट ने जो दे दिया वो सर्वोपरि हो जाता है? ऐसा जवाब दे देता है। तुम अभी भी मानते हो बापू जी को? मानते हो का मतलब क्या है तुम्हारा? अरे हम मानते थे, मानते हैं, और जब तक तन में प्राण है आखिरी सांस तक हम गुरु जी को मानते रहें, क्योंकि हम गुरु जी को जानते हैं। जो जानते हैं वो मानना नहीं छोड़ते, जो ऊपर ऊपर से मानते हैं वो छोड़ सकते हैं, लेकिन जो गुरु जी को भीतर से जानते हैं वो ये कहते हैं, हम नहीं छोड़ के दर आपका जाने वाले। भक्त जब आपका कहते हैं जमाने वाले, आपके दर पे जिए बापू यहीं पे मर जाए, यही कहते हैं बापू के दरबार में आने वाले, बापू के दरबार में आने। शबरी ने गुरु के वचनों को धारण किया। शबरी ने गुरु वचनों को ये धारण किया कि कोई कुछ भी कहे, लेकिन शबरी सिर्फ और सिर्फ गुरु के वचनों को ही याद रखती। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। शबरी जब गुरुद्वार पर रहती है, मतंग मुनि चले गए, रोज राम 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 रटती है। सिर्फ राम राम रटती नहीं, एक विश्वास है कि राम जी आएंगे, राम जी आएंगे। और ये करते करते वर्षों बीत गए, लोग तो मजाक उड़ाते थे कि कितने वर्षों से यही रट लगा रखी, आएंगे आएंगे आएंगे, लेकिन कब आएंगे, नहीं आएंगे। लेकिन शबरी ने अपने गुरु के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखा था, और शबरी कहती थी कि चाहे कोई कुछ भी कहे, मुझे मेरे गुरु के वचनों पर विश्वास है, और मेरे गुरु जी आशीर्वाद देके गए हैं कि राम जी आएंगे। अरे बोले कैसे आएंगे, कहाँ अयोध्या और कहाँ पंपा सरोवर, इधर कैसे आएंगे? बोले चाहे अयोध्या कितनी दूर क्यों ना हो, अरे बोले इतना घना जंगल, कंकीर्ण मार्ग, मखमल पर चलने वाले और गादी पर सोने वाले प्रभु श्री राम इधर कैसे आएंगे? बोले चाहे कैसे ऐसे आए कि कैसे आए, जैसे भी आएंगे, लेकिन प्रभु आएंगे आएंगे और आएंगे, क्योंकि मेरे गुरु जी ने कहा है, तो गुरु का वचन मेटे ना कोई, गुरु नानक नानक हर सोई, और इतिहास गवाह है ये, जब जिसने पुकारा है जीता है भरोसा ही, जब गुरु सहारा है। जिसके जीवन में गुरु सहारा है उसके विश्वास की जीत होती है, उसकी श्रद्धा की जीत होती है, उसके प्रेम की जीत होती है, क्योंकि जो दृढ़ श्रद्धा रखता है, दृढ़ विश्वास रखता है, ऊपर ऊपर नहीं गहराई से, तो प्रहलाद ने दृढ़ विश्वास रखा, तो प्रहलाद की दृढ़ श्रद्धा और भक्ति को भगवान ने डिगने नहीं दिया। चाहे कितने भी प्रलोभन आए, कितनी विपदाएं आई, कितनी आपदाएं आई, हिरण्यकश्यपु ने भगवान के मार्ग से हटाने के लिए वरकस हर तरीके से प्रयास किया, और इतनी विघ्न इतनी बाधाएं तो आपके और हमारे जीवन में है ही नहीं है, क्या बताओ? आप सब जो यहां बैठे हैं, भाई बहन जो भी है, क्या जितने कष्ट प्रहलाद के जीवन में थे, क्या आपके और हमारे जीवन में है? बोलो। प्रहलाद को भगवान की भक्ति करने के लिए रोकते थे, हमें कौन रोकता है बताओ? हाँ, कोई किसी किसी घर में कोई पत्नी साधक है, पति नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा टोकते जरूर होंगे, और जहां पति साधक है, पत्नी साधक नहीं है, तो पत्नी टोकती होगी, और जहां दोनों साधक है तो फिर पड़ोसी टोकते होंगे कि अब भी तुम बापूजी को मानते हो, अब भी तुम बापूजी के आश्रम में जाते हो, अब तो कोर्ट ने भी सजा सुना दी है, उनको दोषी करार दे दिया है, तो कई साधक डग्गू मग्गू जो होते हैं ना, वो डर जाते हैं, लेकिन जो दबंग साधक होते हैं वो अच्छे से जवाब दे देते हैं। तो कोर्ट ने निर्णय सुना दिया है, कोर्ट ने बोल दिया है, तो कोर्ट क्या सर्वोपरि है? कोर्ट क्या भगवान है? या कोर्ट ने जो दे दिया वो सर्वोपरि हो जाता है? कोर्ट कचहरी का काम क्या है?
वकील बाहर से पहनता है कोट काला और भीतर से पहनता है शर्ट सफेद, ऐसे ही है ना, यही ड्रेस है कोर्ट में जज की और वकीलों की। कभी सोचा ऐसा क्यों? जो सफेद को काला कर दे और काले को जो सफेद कर दे उसी का नाम कोर्ट है, जो झूठ को सच कर दे और सच को झूठ कर दे उसी का नाम क्या है? कोर्ट है। जीसस को सूली पे चढ़ाया राजा ने तो कि जीसस दोषी थे। सुकरात को जहर दिया तो कि सुकरात दोषी थे। मंसूर को फांसी दी, मीरा को जहर दिया, क्या दोष था बापूजी? क्या क्या दोष है? बापूजी का यही दोष था, इसको दोष कहेंगे कि बापूजी अपने पूरे जीवन भर 50 वर्षों से पूरा देश रटन करते करते नगर नगर डगर डगर घूम घूम के, पहले तो साधना के लिए नगर नगर डगर डगर घूमते रहे कि वो परम आनंद को कैसे पाऊं, उस परम सुख को कैसे पाऊं। कभी नर्मदा के किनारे, कभी वृंदावन, तो कभी हरिद्वार, तो कभी बद्रीनाथ, तो कभी केदारनाथ, कहां कहां नहीं है। और जिस दिन पूर्ण गुरु की पूर्ण कृपा मिली और पूर्ण आनंद को पाया, तो जो आनंद को पा लेते हैं वो बांटे बिना रह नहीं सकते, क्योंकि बांटना स्वभाव हो जाता है। फल अगर लगते हैं वृक्ष पर तो वो धीरे धीरे पकेंगे और पक के गिरेंगे जरूर, और बादल में काली काली घटाएं आई है तो वर्षेगी जरूर। तरुवर सरोवर संत जन चौथा वर्षे में है, परमारथ के कारण चारों धरिया दे। वो आए बरसने के लिए, आए हैं परहित के लिए, आए हैं कल्याण के लिए। जब जब प्रगटे संत जन धन्य होए युग काल, जहां जहां विचरण करे होवे देश निहाल। वो काल वो देश निहाल होता है, वो युग धन्य होता है। तो पहले तो बापूजी ने उस आनंद को पाने के लिए साधना के कितने दुर्गम मार्गों की यात्रा करी, और उस आनंद को पा करके हम सबके कल्याण के लिए, हम सबकी उन्नति के लिए नगर नगर डगर डगर घूम करके वो प्रसाद बांटते रहे। लेकिन हमेशा एक परंपरा रही है कि जिस वृक्ष पर फल लगते हैं लदते हैं तो उन्हीं वृक्षों को पत्थर खाना पड़ता है। भगवान के मार्ग पर चलने वाले लोगों का हमेशा विरोध हुआ, संतों पर नाना प्रकार के आरोप और प्रत्यारोप, हर समय के हर युग के। पंडितों ने, पंडों ने, क्योंकि उनकी दुकानदारी बंद हो जाती है, क्योंकि संत आते हैं वो खरी खरी कहते हैं, सच सच कहते हैं। कहते कहीं वृंदावन में एक भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए और भगवान ने कहा कि सब लोगों ने, वहां भीड़ थी, कि मैं भगवान हूं। लोग हंसने लगे और जो पुजारी थे वो भी हंसने लगे। उन्होंने कहा कि भेष तो अच्छा बनाया तुमने हूबहू, लेकिन यहां से निकल लो नहीं तो ठीक नहीं होगा, लोग पिटाई कर देंगे। भगवान ने कहा अजीब बात है, चाह रहे हो भगवान को, पूजा कर रहे हो भगवान की, और भगवान प्रकट हो जाए, मैं बोल रहे मैं भगवान हूं, तो भगवान को मानने से इंकार कर रहे हैं। पुजारी भगवान को साइड में लेके गया और पुजारी कहने लगा प्रभु क्यों हमारी जमी जमाई दुकान को खराब करने आ गए? क्योंकि आप जब भी आते हो उपद्रव शुरू हो जाता है। उपद्रव क्या शुरू होता है? जो अधिकारी हैं, जो सच्चे हैं, वो तो उनके उस प्रेमानंद को, आनंद को पाते ही हैं, लेकिन जिनकी दुकानदारी बंद होने लगती है,
जिनकी दुकानदारी झूठ पर खड़ी हुई है, असत्य पर खड़ी हुई है, उस पर संत चोट करते हैं। जादू टोना, भुआ भोपा, झाड़ फूक, गंडा तावीज, जो सिर्फ दुकानदारी चला रहे हैं। भगवान ने सोचा कि उस समय मुझे शायद नहीं पहचाना था लोगों ने, मैं कृष्ण रूप में आया था, मुझे नहीं पहचाना था, और मेरे पर भी नाना प्रकार के अत्याचार किए। लेकिन मैंने सोचा आज तो कृष्ण के इतने मंदिर हैं और कितने पुजारी हैं, छप्पन भोग लगाते हैं, मक्खन मिश्री खिलाते हैं, तरह तरह के वस्त्र अलंकृत करते हैं, अब तो मैं जा रहा हूं, बहुत खुश हो जाएंगे लोग। लेकिन नहीं, पुजारी कहता कि हम आपकी पूजा कर रहे हैं, तीनों टाइम संध्या कर रहे हैं, नाना प्रकार का भोग लगा रहे हैं, बस ये चलने दो। लेकिन आप आ गए और आपने कुछ भी कह दिया तो बखेड़ा शुरू हो जाएगा, क्योंकि जागृत महापुरुष जब जब आते हैं तो यथार्थ सत्य से हमें अवगत कराते हैं, और वो सत्य हर किसी को बर्दाश्त नहीं होता। और यही कारण है हमेशा धर्म कार्य में रुकावट पेश आती है। भगवान बुद्ध ने सत्य कहा, लेकिन बुद्ध के वचनों को सभी ने स्वीकार नहीं किया, बुद्ध का विरोध किया गया। महावीर ने अहिंसा का मार्ग बताया, लेकिन सबने नहीं अपनाया, उनका भी विरोध किया गया। जीसस ने भी प्रेम का पाठ पढ़ा, लेकिन उनका भी विरोध हुआ, उनको भी सूली पे चढ़ा दिया। मंसूर को फांसी दी, सुकरात को जहर दिया, मीरा ने क्या बिगाड़ा? मीरा ने भक्ति तो करी, मीरा को भी जहर दिया। प्रहलाद ने क्या गुनाह किया? भगवान की भक्ति करी। तो हमेशा भक्ति के मार्ग पे चलने वालों के जीवन में शायद साधारण जीवन जीने वाले संसारिक लोगों से ज्यादा कष्ट और विघ्न बाधाएं भगवान और भगवत प्राप्त महापुरुष और भगवान के रास्ते पे चलने वालों के जीवन में कठिनाइयां आती है। लेकिन फिर भी तमाम प्रकार के विघ्न और बाधाओं को झेलते हुए, सहते हुए भी और भगवान पर दृढ़ विश्वास करके भी भक्त साधक चलते हैं, और भगवान ने यही प्रेरणा दी है। तो आज भी अगर भगवान आ जाए तो आज के लोग भी वही करेंगे भगवान के साथ जो उस समय किया था। राम जी आज आ जाए तो राम जी के साथ भी वही करेंगे जो उन्होंने त्रेता में लोगों ने किया था, क्योंकि धोबी जैसे लोग कोई ऐसा तो नहीं उस युग में थे, आज के युग में नहीं है। सतयुग में शिव जी पर आरोप लगाया दक्ष ने, त्रेता में भगवान श्री राम पर धोबी ने लगाया, पहचान नहीं पाए, और द्वापर में भगवान श्री कृष्ण पर क्या क्या आरोप लगे। तो ये कलयुग है, लेकिन फिर भी संत और भगवान सब कुछ सहते हैं, फिर भी समाज को आनंद देते हैं, प्रेम से करुणा से भरते हैं। समाज बदले में क्या देता है? तो बापू जी ने साधकों को क्या दिया? आज बापू जी इतना कष्ट सह रहे हैं तो किसके लिए? गुरुकुल खुलवाए बच्चों के लिए कि हमारे बच्चे भारतीय संस्कृति के अनुरूप पले बढ़े, माता पिता का आदर करने वाले बने। कत्ल खानों में जा रही गायों को छुड़ा के गौशालाएं खुलवाई। युवाओं जो इंटरनेट, मोबाइल और चलचित्रों के माध्यम से अपनी शक्ति का ह्रास करते हैं, तो युवा धन सुरक्षा अभियान चला करके करोड़ों करोड़ों युवाओं ने अपने जीवन को बदला, वो नहीं दिखता मीडिया को। लेकिन सभी प्रकार के विघ्न और बाधाओं के बावजूद भी जो भगवान से प्रेम करते हैं, जो गुरु से प्रेम करते हैं, उन्हें दुनिया की कोई ताकत भी गुरु से दूर नहीं कर सकती, भगवान से दूर नहीं कर सकती। क्योंकि हमेशा चाहे भगवान श्री राम का मंदिर तोड़ा है ना, अब तो फैसला सुरक्षित रख लिया है, और दूसरे बंदे ने तो उसका नक्शा ही फाड़ के फेंक दिया। मंदिर तोड़ा, भगवान की प्रतिमा तोड़ी, मंदिर तोड़ दो, भगवान की प्रतिमा को तोड़ दो, लेकिन भगवान की प्रतिभा को तोड़ सके ऐसे किसी के बाप में ताकत नहीं। आज भी श्री राम की प्रतिभा सब भक्तों के दिल में है, हृदय में है, और ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण के मंदिर को तोड़ा,
राम मंदिर जाओ तो राम जी की प्रतिमा तोड़ी, मथुरा में जाओ तो भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा तोड़ी, वहां भी मस्जिद बनी, वहां भी मस्जिद बनी। काशी विश्वनाथ में जाओ तो भगवान शिव की प्रतिमा, शिवलिंग, असली शिवलिंग तो अंदर है मस्जिद के अंदर, नंदी बाहर है, शिवलिंग उधर है। तो हमारे जो जहां भगवान श्री राम जन्म लेते हैं, भगवान श्री कृष्ण जन्म लेते हैं, समय से पे मुगल आए, हमारी आस्था पर चोट किया, हमारे श्रद्धा और विश्वास के केंद्र को हिलाने की कोशिश की, तो मूर्ति को तोड़ा, मूर्ति को खंडित किया, लेकिन श्रद्धा को खंडित नहीं कर पाए, प्रतिमा खंडित किया लेकिन प्रतिभा को खंडित नहीं कर पाए। ऐसे ही इन 6 सालों में कोर्ट ने भी पूरा जोर लगा लिया, मीडिया ने भी पूरा जोर लगा लिया कि बापूजी के साधक बापूजी को मानना छोड़ दें, आश्रम में जाना छोड़ दें और सेवा कार्य छोड़ दें, और बापूजी के प्रति जो उनकी श्रद्धा है वो टूट जाए। लेकिन तुम बापूजी की प्रतिमा को खंडित कर सकते हो, लेकिन बापूजी की प्रतिभा तो आज भी खंडित नहीं हुई, आज भी सब भक्तों के हृदय में बापूजी बसते हैं और न कर पाएंगे। हमेशा धर्म कार्य में रुकावट पेश आती है, लेकिन भगवान की मर्जी ही उसे मिटाती है, बाकी हटा सकता नहीं कोई दुनिया की जुबानों को। तुम बैठे ही रहो तो बोलेंगे बैठे ही रहते हैं तो इनको कोई काम धाम तो है नहीं, और जाएंगे तो बोले ये तो पता नहीं सुबह निकलते शाम को आते कहां जाते ही नहीं पता, काम करो तो बोले ये तो काम में ही लगे रहते हैं। दुनिया ऐसी है तुम कुछ भी करो तुम्हें टोकेगी टोकेगी बोलेगी बोलेगी, हाँ नहीं बोलती, दुनिया ऐसी ही है, तुम कितना भी कुछ भी करो दुनिया के लिए अपने आप को दे दो फिर भी दुनिया छोड़ने वाली नहीं है, रोकने टोकने के बारे में टोकती रही। इसलिए दुनिया की परवाह नहीं करना चाहिए, दुनिया की परवाह ना प्रहलाद ने की, ना मीरा ने की, ना सबरी ने की, ना ध्रुव ने की, या ना प्रहलाद ने किया, अरे हमारे गुरुजी भी नहीं करते तो गुरुजी के बच्चे क्यों करेंगे, करेंगे क्या। गुरुजी बोलते हैं आदर तथा अनादर वचन भले त्यों बुरे, निंदा स्तुति जगत की धर जूते दे थले। तो यहाँ जितने साधक है ना इनको ऐसा नहीं कि जो नहीं आए उनको बोलते हैं इसलिए नहीं आए, आपको भी बुलाते होंगे, लेकिन साधक ऐसा जवाब दे देता है, अरे तुम अभी भी मानते हो बापूजी को, तो मानते हो का मतलब क्या है तुम्हारा, अरे हम मानते थे मानते हैं और जब तक तन में प्राण है आखिरी सांस तक हम गुरु जी को मानते रहें, क्योंकि हम गुरु जी को जानते हैं, जो जानते हैं वो मानना नहीं छोड़ते, जो ऊपर ऊपर से मानते हैं वो छोड़ सकते हैं, लेकिन जो गुरु जी को भीतर से जानते हैं वो ये कहते हैं हम नहीं छोड़ के दर आपका जाने वाले, भक्त जब आपका कहते हैं जमाने वाले, आपके दर पे जिए बापू यहीं पे मर जाएं, यही कहते हैं बापू के दरबार में आने वाले, बापू के दरबार में आने वाले। यहाँ मनमानी नहीं होती, निंदा करने वाले चाहे कितनी निंदा करे सच्चे गुरु भक्तों को कोई परेशानी नहीं होती। सच्चे गुरु भक्त कहते निंदकों कुछ तो होगा नहीं, बहुत कुछ है बापूजी में, वरना बापूजी की दुनिया यूं ही दीवानी नहीं होती, दीवानी नहीं होती।